एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाहर जो है बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की हो रही है और मैं अभी रेडी भी हूँ क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। आज जो मेरा कजन जो है एडमिट हुआ था उसका डिस्चार्ज है, लेकिन बारिश आई रही है और उस साइड भी होगी जहाँ मुझे जाना है। बट यार मेरे पास रेनकोट है नहीं और मैं सोच रही हूँ कि किससे मांगू अब अपने आस पड़ोस वाले लोगों में से, क्योंकि उनको भी चाहिए होगा। तो उसी का मैं अभी इंतजार कर रही थी कि किससे मांगू। बट फिलहाल तो हल्की हल्की बूंदे आ रही है। बट यहाँ का क्या है ना कि पता ही होगा, जैसे जो देहरादून में रहता है कि कभी यहाँ आती है कभी वहाँ नहीं आती, वहाँ आती है यहाँ आती है, इस टाइप का होता है। चलो फिर मैं जल्दी से मांग लेती हूँ रेनकोट, उसके बाद चलते हैं कहीं लेट ना हो जाए। फिर रेनकोट का जुगाड़ हो गया है और अब मैं चलती हूँ जल्दी से, बिना लेट करे स्लीपर ही पहन के जाऊंगी। चलिए आई एम रेडी, मेरे रेनकोट पहन लिया। चलो अब जल्दी आऊंगी, चलो बाय बाय बाय। फिर गंदी हरकत, तू भी आ गई, आ गया से। तो पेशेंट को जो है ये प्रोटोकॉल दिया है, ये इसको फॉलो करना है। तो यार खुल नहीं रहा है। सही है यार, अब ऐसे बताने भी लग गए, मतलब ऐसे देने लग गए ना, ठीक है, थोड़ा ठीक रहता है फिर। चलो भाई 6 महीने तक तेरे अंदर जो है ब्रेक लग गया है, ठीक है। सो हम लोग जा रहे हैं डिस्चार्ज फाइल को लेके आयुष्मान काउंटर पे। बैठ पाएगा? आराम से बैठ जा, हाँ पैर ऊपर लेके आराम से। ये आगे फिट नहीं आ रहा था, इसको हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। चल जल्दी आराम से, हाँ हमारे हाथ में बैग है यार, मतलब सामान है, कैसे ले जाएं? यस हाँ ऐसे पीछे हो जाओ, पीछे बिल्कुल। अभी मैं आई हूँ थोड़ा विशाल पे, ये अच्छा लग रहा है वैसे ना कलर। मैंने कहा थोड़ा अपना फ्रेश कर देती हूँ मूड, क्योंकि काफी टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं करी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, अब मैं जा रही हूँ सीधा घर, क्योंकि मुझे थकान जैसे लग गई। अब मेरा मन नहीं कर रहा शॉपिंग वगैरह कुछ करने का, क्योंकि कुछ है ही नहीं इधर, और अभी मौसम तो ठीक है तो जल्दी निकल जाती हूँ। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और जैसी मैं घर आई इस लड़की ने मुझसे खाने पीने की सामान मंगाया, ये ला देना, ये मिठाई ला देना, वो ला देना, और अपने आप जो है सो रही है अब यहाँ पे। निकिता खड़े हो जाओ बेटा, अगर इसको काम के लिए बोलते तो कैसे चिढ़ती ये। और जैसे मैंने बोला क्या खाएगी क्या लाऊं, हैं कितनी मधुर वाणी भी, मैंने तो स्पीकर में डाला हुआ था फोन, मैंने कहा लोगों को सुनाती हुई है फोन उठाते कैसे चिल्लाती है पर ये चिल्लाई नहीं यार, मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। खाने की जो बात क्या खाएगी, जहाँ खाने की बात आ रही वहां कितनी मधुर बन जा रही है कितने आराम से बात करती मुझसे, हाँ हाँ। और जैसे मैं काम बोलती ना मुंह फाड़ती, बदतमीज लड़की, उड़ जा। तो टाइम हो चुका है डिनर बनाने का, आज हम डिनर में ज्यादा कुछ टाइम हो रहा है 9:30, तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हमने दिन में बहुत मतलब वो खाया था यार, क्या बोलते उसका नाम, राजमा चावल तो हैवी हो गया। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ खाएंगे मैगी। बहुत टाइम बाद खाऊंगी मैं, मतलब हाँ मतलब ऐसे तो बहुत टाइम बाद खाऊंगी अपने हाथ की बनाई हुई। बाकी मैंने खाई थी 1-2 चम्मच ऐसी ना कहीं पर, मुझे पसंद नहीं आई। दो भैया निक्की ने प्याज टमाटर काट के रख दिया है और अभी लगी हुई है यहाँ पे कुछ खाने में, ए ए ए बोल रही मुझे मत दिखाना, चल दे दे प्याज, अब हाथ चम्मच देना, वो सॉरी वो प्याज घुमाते हैं जिससे यार, यहाँ से ले ले यार तू भी तो। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे प्याज,
प्याज को हम भुनेंगे। टिक्कू टिक्कू भी यहाँ पे आ गया। टिक्कू खाना खाना है तुझे? हैं क्या खाना है? खाना रोटी खाएगा? आई बन रही है, ठीक है रुक जा, ठीक है बाहर ही बैठ रहे अभी। बाहर आसमान वो कर रहा होगा ना आवाज वगैरह और थोड़ा लाइट वगैरह चमक रही होगी तो यहाँ पे आके बैठ गया। उसकी हालत खराब हो जाती है जैसे भगवान उसकी फोटो खींचते हैं, है टिक्कू? और कान लगा के तो ऐसा सुनता है ये लड़का। और घूमी घूमी भी जाने किसी घूमी घूमी के नाम से तो कैसे देखता है। नो घूमी घूमी करा के नहीं कहीं मैं तुझे घूमी घूमी अभी है टिक्कू बच्चे। ओ टिक्कू बच्चे ये कौन देख रहा है भाई खिड़की से? कौन देख रहा है ये चोरी चोरी चुपके चुपके है? क्या हुआ रोटी खानी है? रोटी खानी है? निकी कितने पैकेट बनाओ मैगी? थोड़ा सा ही खाऊंगी क्योंकि भूख नहीं है ज्यादा मुझे। कितने कितने बनाओ? तीन पैकेट। तो दोस्तों डॉगीज़ ने भी खाना खा चुका है। हमारे इतने गंदे हैं कि क्या बताऊँ, स्पेशली वो डोरा, उससे मेरे सारे कपड़े गंदे करे यार। आज बाहर बारिश भी हो रही थी प्लस जो है उसने पीछे सारे पंजे पुंजे लगाए मेरे, तो मुझे जो है चेंज करना पड़ा अपना टी शर्ट। बाकी हाँ एक बात ये है कि जब कोई आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा रहा होता है तो जब एडमिट हो रहे होते हैं तो उस टाइम चाहिए होती है हमको एक फ़ोटो बेड पे, मतलब वही हॉस्पिटल के बेड में इमरजेंसी वार्ड में जाके आप खिंचा सकते हैं। बेड पे एक लेटी हुई और एक बैठी हुई फ़ोटो चाहिए होती है पेशेंट की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें अपने पास ताकि इधर उधर भागने की नौबत ना आए और जल्दी से आपकी फ़ाइल बन जाए, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत भीड़ भी होती है काउंटर में और फिर जैसे अगर थोड़ा सी भी बीच में घुस जाओ ऐसे करो तो हल्ला करने लग जाते हैं लोग जिनको पता नहीं रहता कि ये गया था बंदा पहले बाहर, मतलब यहाँ से गया है ऐसे करके। तो अपने पास जो है फ़ोटो पहले ही रख लें ताकि जब वो बोलें सेंड करो तो उसी टाइम जो है फटक से जल्दी से सेंड कर सकें और जल्दी से काम हो सके। और सारे डॉक्यूमेंट रखें अपने पास, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं पेशेंट की पूरी, तो ब्लड वगैरह ब्लड रिपोर्ट वगैरह जो भी चाहिए होती हैं वो रखें अपने पास, ठीक है। क्योंकि फ़ोटो का तो बहुत कम लोगों को पता रहता है कि फ़ोटो भी चाहिए होती है। ऐसे ही जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो तभी भी फ़ोटो चाहिए होती है, लेकिन अब क्या है कि पहले तो नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया है कि फ़ोटो के साथ साथ जो है पेशेंट भी वहाँ पे जाएगा जब डिस्चार्ज हो रहा है आयुष्मान काउंटर में और वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया है अब तो जो ये डिस्चार्ज की फ़ोटो है वो जहाँ पे वो एडमिट है उस वार्ड की चल जाएगी, उसी बेड की चल जाएगी, स्पेशली वहाँ से खींचनी है जहाँ से उसका क्या हुआ था ऑपरेशन, वो भी एक लेटी हुई एक बैठी हुई फ़ोटो चाहिए, ठीक है डिस्चार्ज करते समय। बाकी सारे मतलब बाकी तो जल्दी ही हो गया था हमारा काम आज, बस ये है कि ये 12 बजे के बाद ही मतलब प्रोसेस चलता है इनका, ये फाइल वुल बनाते हैं तब तक तो इतना टाइम लग ही जाता है। सो लेकिन जैसी फाइल फुल बन गई थी हमारी तो हम गए तो जल्दी हो गया था हमारा काम, बस पेशेंट को लाने में थोड़ा वो लगा क्योंकि पेशेंट चलने में थोड़ा वो था, मतलब चल नहीं पा रहा था पैर में लगी थी, बाकी ठीक था, मतलब जल्दी हो गया था हमारा काम तो सही था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, वैसे तो भगवान करे कि किसी को नौबत ना आए आयुष्मान कार्ड यूज़ करने की या कोई भी हेल्थ कार्ड यूज़ करने की या हॉस्पिटल जाने की, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास सारे रखें ताकि ईजी से जल्दी से काम हो जाए। वैसे भी बहुत दिमाग ख़राब होता है फिर हॉस्पिटल में ना भागा दौड़ी में। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।